अग्रेसिव शेक इफेक्ट फिल्मोरा मोबाइल का यूज़ करते हुए किस तरह से एडिट किया जाता है, आज के वीडियो में हम लोग ये सीखने वाले हैं। यहाँ पर अगर अपनी स्क्रीन को देखो तो हमारे पास विंडोज शेक फिल्मोरा 13 मोबाइल वर्जन इंस्टॉल्ड, और यहाँ पर इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद भी सिंपली आप लोगों ने अपनी फुटेजेस को इम्पोर्ट कर लेना है। जैसे आप लोग इम्पोर्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी जो वीडियोज हैं वो आपके फिल्मोरा के अंदर आ जाएंगी, जहाँ पर आपके दो कट्स मिल रहे हैं, यहाँ पर आपने अपनी शेकिंग इफेक्ट्स को अप्लाई करना है। सो इसके लिए सिंपली भाई आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर नीचे ही आपको इफेक्ट्स टैब में चले जाना है। अब उसके बाद आपने यहाँ पर ऐड इफेक्ट के बटन को पर क्लिक कर लेना है। ऐड इफेक्ट में जाने के बाद भी सिंपली आप लोगों ने यहाँ से शेकिंग इफेक्ट्स में चले जाना है। शेकिंग इफेक्ट्स में जाने के बाद यहाँ पर आपने एक्सपोजर जिटर इफेक्ट को अप्लाई कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करें, ओके प्रेस करें, आपका जो इफेक्ट है यहाँ पर लग चुका हुआ है। अब इस इफेक्ट को सिंपली आप लोग ड्रैग करें और बिल्कुल स्टार्ट में जहाँ पर आपकी दो फुटेजेस का कट आ रहा है वहाँ पर आपने इसको अप्लाई कर देना है। और इसका साइज़ आपने उतना ही रखना है जितना आप यहाँ पर अपने कट्स के दरमियान में इसको रखना चाह रहे हैं, तो लाइक दिस, ठीक है। अभी हम लोगों ने इसके अंदर मज़ीद एग्रेशन वगैरह ऐड करनी है। सो इसके लिए जो आपको सेंटर में ट्रांजिशन का बटन दिख रहा है आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद भी सिंपली यहाँ पर आप लोगों ने आगे जाना है। लाइट वाली ट्रांजिशन में जाने के बाद यहाँ पर जो आप पहली ट्रांजिशन आपने इसको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आपने इसके ड्यूरेशन को यहाँ पर 3.5 के ऊपर कर देना है। उसके बाद आपने ओके प्रेस कर देना है, आपकी ट्रांजिशन कुछ इस तरह से देखने को मिल रही है। उसके बाद आपने दोबारा से ऐड इफेक्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना, और यहाँ पर बेसिक में ही रहते हुए आप लोगों ने टिल्ट शिफ्ट सर्कल वाला जो पहला इफेक्ट है आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इस इफेक्ट को आपने ऐड कर देना, और इसका साइज़ भी आपने उतना ही रखना है जितना आपका फर्स्ट इफेक्ट का साइज़ आपको देखने को मिल जाता है। अब उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर की फ्रेम एनिमेशन ऐड करनी है। इसके लिए सिंपली जो आपकी पहली फुटेज है आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर आपको प्लस का बटन देखने को मिलता है, आपने ऐड की फ्रेम करना है। की फ्रेम लगाने के बाद इस वीडियो के लास्ट में जाना है, और लास्ट में जाने के बाद भाई आपने इसको हल्का सा जूम इन कर लेना है लाइक दिस। जो आपकी नेक्स्ट फुटेज है इसके भी बिल्कुल स्टार्टिंग में आपने की फ्रेम ऐड करना है, और आगे जाने के बाद दोबारा से आपने की फ्रेम ऐड करना है। जो इसका पहला की फ्रेम है आपने इसको यहाँ पर जूम इन कर लेना है, और जो इसका नेक्स्ट की फ्रेम है आपने यहाँ पर लाकर इसको जूम आउट कर लेना है। ये एनिमेशन आपकी कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाती है। अब उसके बाद जो हमारी फाइनल ट्रांजिशन है वो रेडी हो चुकी है। इस ट्रांजिशन का नाम एग्रेसिव शेक ट्रांजिशन है। मैं यहाँ पर वीडियो को प्ले करता हूँ। हियर इज़ अवर फाइनल आउटपुट। सो आई होप कि भाई आपको वीडियो उसको लाइक करें, नीचे कमेंट करें भाई आपको वीडियो कैसी लगी। उसके अलावा चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ वाले बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहे। वीडियो को शुक्रिया, थैंक्स फॉर योर टाइम, गुड बाय।